Hi guys, you are watching our favorite YouTube channel NK Gupta Smart Education, and this is me, your host and host NK Gupta. And today we are going to discuss about chapter 2nd of class 12th CBSE, sexual reproduction in flowering plants. And same chapter is here in class 12th RBSE. Chapter name is male and female gametophyte structure and development. तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है, हाँ जी, जो हमारा चैप्टर है मेन मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, तो हम आ चुके हैं अपने मेन टॉपिक पे, वो है पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जिसमें हाँ जी पोलन ग्रेन को ही कहा जाता है मेल गैमेटोफाइट। तो कोई पूछे व्हाट इज पोलन ग्रेन, या मैं कहूँ व्हाट इज माइक्रोस्पोर, तो फर्स्ट सेल जो है मेल गैमेटोफाइट की उसे कहा जाता है माइक्रोस्पोर। जितने भी माइक्रोस्पोर हैं, जब तक वो माइक्रोस्पोर टेट्राड में हैं, तब तक उन्हें माइक्रोस्पोर कहा जा रहा है। जैसे ही टेट्राड से सेपरेट होंगे, हाँ जी, जैसे ही उनके बीच जो स्टिक की पॉलीसेक्राइड है कैलोज, उसका डिपोजिशन हटता है, तो फोर जो बने हुए, हाँ जी, जनरली जो है फोर माइक्रोस्पोर बनते हैं और फोर के फोर फंक्शनल होते हैं। मैं आपको यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने जा रहा हूँ। जनरली जो है मेगास्पोर के लिए इस तरह का जो इस तरह की स्पेशलिटीज हैं वो देखी जाती हैं, जिनमें फोर में से ओनली वन मेगास्पोर ही फंक्शनल देखने को मिलता है। मैं अपनी बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जनरली थ्री मेगास्पोर जो है इमीडिएटली डीजनरेट हो जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ एक ऐसी फैमिली का जिक्र कर रहा हूँ, हाँ जी, वो हो गया नॉर्मल केस। मेगास्पोर के लिए थ्री डीजनरेट हो जाते हैं मेगास्पोर और केवल एक ही फंक्शन, ये नॉर्मल कंडीशन है। बट माइक्रोस्पोर जो है वो जनरली फंक्शनल देखने को मिलते हैं फोर के फोर। बट एक फैमिली है साइपेरेसी, हाँ जी, वही साइपेरस जो आपने पढ़ी लिया है, तो साइपेरस जो है आप अगर वहां देखेंगे साइपेरस में, तो आपको फोर में से ओनली वन माइक्रोस्पोर ही फंक्शनल देखने को मिलेगा। तो इस पे बेस्ड काफी बार जो है क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं और बच्चे इसी वजह से जो है क्वेश्चन जो है प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं कर पाते, या मैं कहूँ रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं। तो कॉज आपको समझ में आई है, क्योंकि यहाँ जो फोर के फोर जो, हाँ जी, एक माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर जो बनने वाले फोर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर हैं, उनमें से ओनली वन फंक्शनल जो है माइक्रोस्पोर बनने वाला है, ऐसा साइप्रेसी फैमिली के अंदर देखने को मिलता है। मैं आता हूं नेक्स्ट अपने, हाँ जी, मेन पॉइंट पे, वो है मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जिसे हम कह सकते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड है पैलिनोलॉजी, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, कोई पूछे व्हाट इज पैलिनोलॉजी, तो आप नॉर्मली कह सकते हैं स्टडी ऑफ पोलन, और बड़ा चढ़ा के आप लिख सकते हैं हाँ जी ब्रांच ऑफ बॉटनी डील्स विद स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्नामेंटेशन एंड कंपोजिशन ऑफ, हाँ जी, जो उसके अंदर मौजूद हैं, जो पोलन ग्रेन के अंदर मौजूद हैं कंपोजिशन, जो कंटेंट मौजूद हैं, जो एग्जाइन है उसका कंपोजिशन और जो इंटाइन है उसका कंपोजिशन, क्योंकि इन वर्ड का या इन टर्म्स का मैं पहले से जिक्र करता आ रहा हूँ, तो आपको पोलन ग्रेन की काफ़ी अच्छी नॉलेज पहले से हो गई है। और ऑर्नामेंटेशन से मतलब क्या स्पाइकी ही होता है जो है एग्जाइन, तो ऐसा नहीं है, रफ सरफेस होता है अलग अलग तरह का, तो इतनी डिटेल स्टडी जो है आप यहाँ नहीं करने वाले, हाँ जी, ये बीएससी में भी बहुत रेयर जो है बच्चे इनको अपने बेस पे स्टडी करते हैं एमएससी बीएससी तक भी, क्योंकि इस तरह का जो है बुक्स के अंदर देखने को नहीं मिलता। हाँ जी, पैलिनोलॉजी की स्टडी करते हैं पोलन ग्रेन की, बट इतना नहीं। मैं फिर से आता हूँ अपने टॉपिक, कोई पूछे व्हाट इज पैलिनोलॉजी, तो जवाब आपको मिल ही चुका है, जी, पैलिनोस जो है पोलन ग्रेन एंड लॉगस मतलब टू स्टडी, तो द ब्रांच ऑफ बॉटनी, तो क्योंकि प्लांट्स के अंदर ही बनते हैं पोलन ग्रेन, तो द ब्रांच ऑफ बॉटनी डील्स विद स्टडी ऑफ पोलन्स नोन एज पैलिनोलॉजी। यहाँ बहुत अलग अलग तरह के पोलन आते हैं, जिनमें मैं एक नाम पहले ही जिक्र कर चुका था, मिराबिलिस जलापा। मैं मिराबिलिस जलापा से पहले आता हूँ स्मॉलेस्ट पोलन इन दी वर्ल्ड। कोई पूछे कि किस प्लांट के पोलन ग्रेन जो है वो, या किस फ्लावर में सबसे छोटे पोलन ग्रेन आते हैं, तो नाम है माइजोटिस एल्पेस्ट्रिस।
जैसे कि आपको सीन हो ही रहा है, फर्स्ट लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट पोलन इन दी वर्ल्ड। कोई पूछे किस प्लांट में, जी किस प्लांट के फ्लावर के अंदर इस तरह का देखने को मिलता है, तो सबसे छोटे जो है साइज पोलन ग्रेन के, तो उनका नाम है माइजोटिस एल्पेस्ट्रिस, और जिनका साइज 6 माइक्रोमीटर तक देखा गया है। जी जिनका डायमीटर डी जो लिखा हुआ है डायमीटर 6 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक को देखने जो है तक का देखने को मिला है। इसके बाद लार्जेस्ट पोलन इन दी वर्ल्ड में बता ही चुका हूं, जिसका डायमीटर भी मैंने शायद बता दिया था 250 माइक्रोमीटर है, और वो नाम अभी जस्ट बोला है मेराबिलिस जलापा, जिसे फोरोक्लॉक प्लांट, जिसे गुलाबांस भी कहा जाता है। इसके बाद कोई पूछे लॉन्गेस्ट पोलन इन दी वर्ल्ड, हाँ जी जो पोलन आपको बताया जा रहे हैं उनमें एक्साइन भी देखने को नहीं मिलती, एक्साइन लैक होते हैं पोलन ग्रेन जुस्टेरा मैराइना के, और जिनकी लेंथ 2500 तक देखने को मिली है माइक्रोमीटर में, जी 2500 माइक्रोमीटर तक लेंथ है इनकी, तो निडल शेप होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं इसका मतलब। तो मुझे लगता है यहां तक आपको अच्छे से लर्न हो गया है। इसके बाद में दो पॉइंट जो यहाँ लिखे हुए हैं उनसे मैं आपको परिचित करा चुका हूँ, ये स्ट्रक्चर लिखा जो बना हुआ है, तो इससे पहले मैंने आपको ये दोनों पॉइंट बता दिए थे। फर्स्ट सेल ऑफ अ मेल गैमेटोफाइट इज रेफर्ड एज माइक्रोस्पोर्स कहते हम, और अब पोलन ग्रेन कोई पूछे तो यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम माइक्रोस्पोर टेट्राड माइक्रोस्पोर्स आर रेफर्ड एज पोलन ग्रेन। तो इन चीजों का मैं यहाँ जिक्र कर चुका हूँ। अब पोलन ग्रेन जो है अभी सिंगल सेल स्टेज में देखने को मिलेगा, फिर टू सेल स्टेज, फिर थ्री सेल स्टेज, तो इसकी डेवलपिंग फेज है। उसके बाद जो सबसे जो डेवलप फेज आने वाली है जिसमें थ्री सेल आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें 1 वेजिटेटिव सेल एंड 2 मेल गैमेट्स। तो इतना आपको समझ में आ गया कि इस मेल गैमेटोफाइट दैट मीन पोलन ग्रेन के अंदर आपको 2 मेल गैमेट्स बनते हुए दिखाई देंगे। यहाँ 2 मेल गैमेट्स बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ 2 टाइम फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, जिसमें से एक ट्रू फर्टिलाइजेशन होगा जिसे सिंगेमी कहा जाएगा, हाँ जी जिसे एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं, और एक फॉल्स फर्टिलाइजेशन जिसे स्यूडो फर्टिलाइजेशन ज्यादा उचित रहेगा कहूं ट्रिपल फ्यूजन। तो क्या होता है उसकी अभी चर्चा करेंगे, अभी इतना ही समझ लें, अभी इतना बहुत है। स्ट्रक्चर को आप गौर से देखें तो बहुत एंटीक है स्ट्रक्चर, और हो सकता है आप में से कुछ अंदाजा लगा रहे हूं कि ये कहां से निकाला है, ये गूगल पे मिल जाएगा क्या सर जी? तो आपको बता दीजिए गूगल पे नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, क्योंकि इसको मैंने खुद ने क्रिएट किया है जैसे ना तैसे, हाँ जी एडिट कर करो के बनाया है ये मैंने, ये ब्लैक कलर का वॉलपेपर मेरे पास है, आपको भी दिख जाएगा काफी बार, और काफी सारी चीजें बता देता हूँ। जैसे ये राउंडेड जो है आपको ये बॉल जैसा आपको की पैड पे मिल जाएगा इजीली, ब्लू कलर का, व्हाइट कलर का, हाँ जी रेड कलर के गोले थे, ग्रीन कलर के इस तरह के जो है वो आपको गोले मिल जाएंगे, व्हाइट कलर के गोले बॉल मिल जाएगी, तो इनको साइज छोटा बड़ा इजीली कर लिया जाता है। ये व्हाइट कलर की दिखाई दे रही जैसे ये थी, इसको यहाँ बड़ा करके बना लिया है, ये ब्लैक कलर की थी, और जो है इसके ऊपर जो ये आपको दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस, इसके ऊपर जो पोर बने हुए हैं वो ओ से बना लिए, ओ अल्फाबेट, ये जो दिखाई दे रहे हैं कितने सारे, ये ग्रेटर देन और जो है लेस देन के साइन है, तो ये ब्रैकेट है वो आपको शायद नजर आ रहे होंगे प्रॉपरली, ये ब्रैकेट है तो उनसे बनाया है मैंने ये, ये ओ है, ओ के अंदर 3 जो है 3W का यूज करके मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बना लिया, और अपना जो है मैंने खुद ने पोलन ग्रेन क्रिएट कर लिया, इसको बनाने में टाइम लगा है, इसलिए जो है ये वीडियो थोड़ा लेट डला है, कोई नहीं तो इंटरेस्टिंग है। जैसे ये एस के लिए बहुत सारे, अब एस लेके मैंने इस तरह से उलझा हुआ मैंने क्रोमेटिन बना लिया है, तो मजा आ रहा है, जो है इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में, मुझे तो लग रहा है और आपको भी मुझे मालूम है लग रहा है। बहुत ईजी स्ट्रक्चर है, इजीली आप बना सकते हैं स्ट्रक्चर को पोलन ग्रेन। सबसे पहले आप एक लीनिंग बना लेंगे, ये जैसे कि आपको दिखाई दे रही है बिल्कुल ग्रे कलर की जो है, बहुत तकली सी ये ग्रे कलर की जो बनाई है, और ये ग्रे कलर वाली जो है टर्न होती है, और फिर जो है इस तरह से आई यहाँ, और फिर जो है टर्न हुई, ये जो जैसे कि स्पेस आपको दिखाई दे रहा है इन्हें जर्म पोर कहा जाता है, तो ये जो ग्रे कलर की बनाई हुई है वो है आपकी इंटाइन इनर वाली लेयर है पोलन ग्रेन की, और जो आपको व्हाइट कलर की नजर आ रही है उसके ऊपर जो स्पाइक नजर आ रहे हैं, प्रिकल्स नजर आ रहे हैं,
ये इस हाँ स्पीक्यूल्स या स्पाइक जो है वो येलो कलर वाले, इनसे बनी हुई एक लीनिंग जो है उसे कहा जाता है सेक्साइन, जो व्हाइट कलर की काफी थिक बना दी है उसे कहा जाता है नेक्साइन। आपको ये दोनों टर्म कहीं पढ़ने को भी नहीं मिलेंगे। हाँ जी, बहुत डीप जब जाओगे पोलन ग्रेन की स्टडी आप जब करते हैं बहुत डीप, तो ही आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, अदरवाइज जो है आपको इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलेगी, अभी इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेंगी। तो मुझे लगता है सेक्साइन और नेक्साइन जो है वर्ड आपको समझ में आ गए। सेक्साइन जो है आउटर मोस्ट लेयर थी, उसके जस्ट अंदर वाली थी नेक्साइन, दोनों को कंबाइनली कहा जाता है एक्साइन। हाँ जी, मोलिकुलर बेस पे इनको अलग किया जाता है, अदरवाइज एक्साइन से एक्साइन के अंदर इन दोनों को जो है हम सेपरेट नहीं कर सकते, मोलिकुलर बेस पे ही हम इनको अलग कर सकते हैं सेक्साइन और नेक्साइन को, अदरवाइज जो है एक्साइन एक सिंगल लेयर के अंदर पाई जाती है दोनों पोर्शन। इन टाइम बताई जब हूँ एक्साइन कोई पूछे कि किस सब्सटेंस की बनी हुई है तो आपको बता दिया जाए, सबसे मेन चीज यहाँ यही है आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है, स्पोरोपोलेनिन नाम का एक सब्सटेंस है उससे बना होता है एक्साइन। स्पोरोपोलेनिन एक तरह का फैटी एसिड है, मैं कहूँ कैरोटीनॉइड्स है, फैटी एसिड कैरोटीनॉइड्स जो है वो फैटी एसिड ही है, तो कैरोटीनॉइड्स का ऑक्सीडेटिव पॉलीमर है, फिर से बोल रहा हूँ ऑक्सीडेटिव पॉलीमर ऑफ कैरोटीनॉइड्स और कैरोटीनॉइड एस्टर कह सकते हैं हम और फैटी एसिड कह सकते हैं, एक ही बात है, तो उनसे बना होता है एक्साइन। तो आप सभी को शायद समझ आ गया होगा स्पोरोपोलेनिन क्या चीज है। स्पोरोपोलेनिन में काफी सारी स्पेशलिटीज हैं। इस स्पोरोपोलेनिन पर ना तो किसी भी फिजिकल फैक्टर का जैसे कि रेन है, बारिश का पानी है, वाटर है, ना टेम्परेचर ना प्रेशर, कोई भी जो है इसको जो है असर नहीं, इस पे असर नहीं डालता है, इफेक्ट इसको नहीं, हाँ जी इसको इफेक्ट नहीं करता, या मैं और कहूँ तो कोई भी केमिकल इसको खराब नहीं कर सकता, कोई ऐसा नॉन एंजाइम नहीं है अभी तक जो स्पोरोपोलेनिन को जो है डिकम्पोज कर दे या उसे हटा दे। इसके बाद अगर मैं कहूँ कोई ऐसा एसिड नहीं है, तो कोई इस तरह की चीजें इस तरह के केमिकल कोई सब्सटेंस नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन को जो है खराब कर दे डैमेज कर दे। और हम बात करें तो कोई भी ऐसा वाइटल फैक्टर नहीं है, बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है जैसे कि फंजाय है बैक्टीरिया है वो इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से मैं कहूँ पोलन ग्रेन स्पोरोपोलेनिन के कारण फॉसिल फॉर्म में बहुत ज्यादा देखे गए हैं, फॉसिल फॉर्म में मिलते हैं पोलन ग्रेन। कोई पूछे कॉज क्या है तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। इसके बाद में बात करता हूँ इनर लेयर जो मैंने बताई बहुत पतली थी, मैंने दिखाई हुई है ग्रे कलर की, आपको गौर से देखेंगे इसके ऊपर मेरा जो है ये स्टिक है मौजूद, उस स्टिक को आप गौर से देखें तो वो है इंटाइन, उस इंटाइन पे ही उसी पर लगाया हुआ मार्क। कोई पूछे कि कंपोजिशन ऑफ जो है इंटाइन, तो पैक्टोसेलुलोज है, पैक्टिन और सेलुलोज से बना होता है, पैक्टिन और सेलुलोज से बना होता है इंटाइन। तो मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आ गया है पैक्टिन और सेलुलोज का कंपोजिशन है, इतना आप सब जानते हैं। मिडिल लैमेला के अंदर जो है पैक्टेट मिलता है, हाँ जी मैग्नीशियम और कैल्शियम पैक्टेट जो है वो देखने को मिलता है, साथ में सेलुलोज आप सभी जानते हैं जिसकी एक सिंगल अगर मैं कहूँ यूनिट तो वो है ग्लूकोज। तो हाँ जी जनरली सेल वॉल के अंदर सेलुलोज देखने को मिलता है, तो थिन सेल वॉल यहाँ जो है हम कहें तो इंटाइन जो है थिन जो है लेयर से बना हुआ है सेलुलोज की। तो शायद मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ आ गया। पोलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, इसमें से वन है पोलन कोट जिसे हमने कर लिया है, अगर आप गौर से देखेंगे तो मैंने आपको एक्साइन बता दिया, इंटाइन बता दिया, पोलन कोट में बता चुका हूँ। इसके बाद में सेकंड है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म अगेन कंप्राइजेस टू पार्ट्स, हाँ जी प्रोटोप्लाज्म के अंदर या जीव द्रव्य में टू पार्ट है वो आप सब जानते हैं और पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें मैंने पहले ही बताया शायद। फर्स्ट है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर भी टू पार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, आउटर वाला जो है पोर्शन जो पेरिफेरल रीजन पे आपको देखने को मिलता है उसे कहा जाता है एक्टोप्लाज्म, और जो आपको न्यूक्लियस के पास मिलेगा, हाँ जी अब ये जो है हेटरोजीनस होता है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे के अंदर और ग्रेनुलर हो सकता है, कोलोइडल सब्सटेंस हो सकते हैं, सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर जो है रफ ग्रेनुलर पार्टिकल्स हो सकते हैं, काफी सारे सेल ऑर्गेनल्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे, तो इसे कहा जाता है एंडोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के बाद जो सेकेंड आता है वो है न्यूक्लियस, तो आपको यहाँ सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है काफी बड़ा, हाँ जी ये आपको दिखाई दे ही रहा है, यहाँ डेंस साइटोप्लाज्म होता है जो एक कलरफुल बनाई बॉल ले लीजिए, कलरफुल बॉल लेकर यहाँ रख दी, उसके अंदर काफी सारी चीजें जो है यहाँ सेट की हुई है।
तो आप जनरल जो है साइटोप्लाज्म बना सकते हैं, ये फुल स्टॉप वाले डॉट हैं उनसे जो है साइटोप्लाज्म बना लिया गया है, तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके अंदर जो है आप इसके ऊपर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना सकते हो, तो आप यहाँ ATS या 60S राइबोसोम यहाँ शो कर सकते हो। तो हाँ जी, इसके अंदर इसका मतलब सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से डिक्टियोसोम, ये जो गॉल्जी बॉडी है इससे यहाँ डिक्टियोसोम कहा जाता है प्लांट्स के अंदर, क्योंकि जो है ये अंड लेस डेवलप फॉर्म में मिलती है, ओनली सिस्टर्नी की बनी दिखती है, इसलिए तो यहाँ जो है लगभग डिक्टियोसोम बना दिए। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर बहुत प्रॉपर दिख रहे हैं आपको, ये क्लियर दिख रहे हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया MT जिसे हम कहेंगे, आगे इसे ER आपको लिखा हुआ मिलेगा, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, MT माइटोकॉन्ड्रिया। CP कहीं लिखा मिल जाए तो CP का मतलब है क्लोरोप्लास्ट, इसे हम प्लास्टिड भी कह सकते हैं। अलग अलग तरह के प्लास्टिड देखने को मिलते हैं, जिनमें यहाँ आपको ग्रीन कलर वाले बनाए क्लोरोप्लास्ट मान लो इनको। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको अच्छे से लर्न हो गया है। अभी ये अनडेवलप्ड है, जब जैसे जैसे डेवलपिंग फेज में आएगी इसके अंदर छोटी छोटी वैक्यूल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, तो अभी आगे आपको डेवलप स्टेज जो है आगे देखने को मिलेगी। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, पोलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, फर्स्ट है पोलन कोट एंड सेकेंड है प्रोटोप्लाज्म। अब पोलन कोट अगेन कंप्राइजेस टू लेयर्स, एक्साइन एंड टाइम। अब यहाँ आप एक्साइन देखोगे तो मैंने टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड की हुई है, या कहूँ टू लीनिंग के अंदर डिवाइड की हुई है, एक सेक्साइन एक नेक्साइन। सेक्साइन जो है आउटर वाली है, नेक्साइन जो है वो इनर वाली है। कोई पूछे एक्साइन किस तरह की दिखती है, क्या प्रॉपर्टीज हैं एक्साइन की, तो आपको ये आउटर दिखाई दे रही है, मैं दोनों में डिफरेंस कर रहा हूँ यही, एक्साइन आउटर लेयर पोलन कोट की, जबकि जो इंटाइन है वो इनर लेयर है पोलन कोट की। एक्साइन जो है काफी थिक है, काफी यहां से लेकर यहां तक काफी मोटी है, थिक है, रिजिड है, हार्ड है इसका मतलब। इंटाइन जो है वो काफी स्मूथ है जी, थिन है, मेम्ब्रेनस है, बहुत पतली है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक्साइन जो है आपको डिसकंटिन्यूअस दिखाई देगी, यहाँ पे आपको जैसे नहीं दिखाई दे रही, यहाँ नहीं दिखाई दे रही, यहाँ नहीं दिखाई दे रही, जहां भी जर्म पोर मौजूद होते हैं, जहां जर्म पोर मौजूद है वहां ये एक्साइन मौजूद नहीं होती, क्योंकि यहां से पोलन ट्यूब निकली हुई आपको दिखाई देगी। आगे जैसे जैसे डेवलप स्टेज में हम पहुंचेंगे तो पोलन जर्मिनेट होके बना लेता है पोलन ट्यूब, तो ये चीज आप पहले से जानते हैं, मैं फ्लावर के स्ट्रक्चर में इस तरह की चीजें आपको बता चुका हूँ। इसके बाद मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया। बट अगर आप जैसे मैंने कहा ये डिसकंटिन्यूअस थी, लेकिन आप ये इन टाइम देखेंगे तो पूरी इन टाइम कंटिन्यूअस है। ये प्रिकली है, जैसे मैंने कहा प्रिकल इसके ऊपर आपको देखने को मिलते हैं, जबकि ये जो है बहुत पतली स्मूथ है, लचीली है, सॉफ्ट है, तो ये प्रिकली नहीं है इसका मतलब। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज थी, और इनमें प्रॉपर्टीज के अंदर क्या डिफरेंस थे वो मैं बता चुका हूँ, फिर कंपोजिशन क्या है एक्साइन का वो बता चुका हूँ, स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई है। कोई पूछे इंटाइन का कंपोजिशन तो वो बता चुका हूँ, पेक्टोसेलुलोज से बनी हुई है। बहुत इजी डिफरेंस से शायद मुझे लगता है आपको यहां तक इजीली लर्न हो गया है। इसके बाद हम और अगर चर्चा करें तो एक्साइन का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, उसका मैं यहां जिक्र कर चुका हूं। एक्साइन में स्पोरोपोलिनिन है, स्पोरोपोलिनिन की वजह से ये फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल तीनों फैक्टर से जो है प्रोटेक्ट रहती है, और इसी की वजह से फॉसिल फॉर्म में देखने को मिलते हैं। अब क्या फिजिकल फैक्टर थे, जैसे वाटर है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, तो ये हो गए फिजिकल फैक्टर। केमिकल कोई पूछे तो एंजाइम, हॉर्मोन्स, एसिड्स, ये हो गए आपके केमिकल फैक्टर। वाइटल और बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर माइक्रोब्स आ जाते हैं, जिनमें जनरली जो डिकम्पोजर के अंदर आते हैं वो है बैक्टीरिया और फंजाई है। तो मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब कोई पूछे इंटाइन का क्या रोल है, तो आप अगर गौर से देखेंगे तो ये जो जर्म पोर बन रहा है वो इसी से बन रहा है, एक्साइन से नहीं बन रहा, ये इसी इंटाइन से ही बना हुआ है जर्म पोर। तो जर्म पोर जो है इंटाइन प्रोड्यूस करती है, और इसी जर्म पोर के थ्रू जैसे ही साइटोप्लाज्म का प्रेशर लगेगा, हाँ जी मान लीजिए एक साइड यहाँ लगा तो यहाँ जो है एक ट्यूब निकलेगी, इसे पोलन ट्यूब कहा जाएगा। तो जर्म पोर से ही पोलन ट्यूब इमर्ज होती है। मुझे लगता है यहां तक आपको लर्न हो गया अच्छे से। इसके बाद हम साइटोप्लाज्म वाले पोर्शन पे आते हैं, मैं कहूँ प्रोटोप्लाज्म वाले पोर्शन पे आते हैं। प्रोटोप्लाज्म अगेन कंप्राइजेस टू पार्ट, वो बता चुका हूँ, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। यहाँ अगर आप साइटोप्लाज्म देखोगे तो टू पार्ट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने पेरिफेरल रीजन पे जो बनाया हुआ है उसको मैंने एक्टोप्लाज्म लिख दिया है, और जो न्यूक्लियस के पास वाला है काफी सारा, जिसके अंदर सारे साइटो आपको ये सेल ऑर्गेनेल या साइटो ऑर्गेनेल्स देखने को मिल रहे हैं।
इन्हें कहा जाएगा एंडोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है काफी डेंस साइटोप्लाज्म यहाँ देखने को मिलता है, हाँ जी काफी अच्छे से भरा हुआ है, कॉम्पैक्टली अरेंज है जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं। कोई पूछे कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स यहाँ देखने को मिलते हैं, तो जवाब आपको पहले ही पता लग गया है, एमटी माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिक्टियोसोम, सीपी क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड कह सकते हैं। जैसे ही डेवलपिंग फेज में जाएगा ये स्मॉल साइज की वैक्यूल यहाँ देखने को मिलेंगी, और जैसे ही डेवलप हो जाएगा तो सारी की सारी जो स्मॉल साइज की वैक्यूल है वो एक साथ जुड़ जाएंगी, एक सिंगल और टू, ज्यादा से ज्यादा वन और टू लार्ज वैक्यूल्स बना लेगी। जब लार्ज वैक्यूल बनेगी तो मिड में आ जाती है, बीच में, इसकी वजह से जो न्यूक्लियस है, जो सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस है यहाँ अभी तक, ये हो जाएगा पेरिफेरल। तो मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया ये। अब जब बात करेंगे हम, जब ये हाँ जी डेवलप फेज के अंदर आएगी है ये, जैसे जैसे डेवलपमेंट करेगा पोलन ग्रेन, तो अभी हम स्ट्रक्चर पे हम फोकस कर रहे हैं यहाँ, तो मुझे लगता है यहां तक समझ आ गया है। इसके बाद कोई पूछे न्यूक्लियस, किस तरह का न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है आपको यहां तक समझ में आ गया है। और जैसे मैंने कहा, जैसे ही बीच में काफी बड़ी वैक्यूल आएगी तो सारा साइटोप्लाज्म जो है वो साइड में चला जाएगा, उस पतली सी लीनिंग को साइटोप्लाज्म भी, हाँ जी जो थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म बचेगा उसे कहा जाएगा यूट्रिकल। यूट्रिकल हिंदी में बोलते हैं कोशिका धृति। तो मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया। तो ये चीजें तो क्या है, कॉमन है और 11th तक बच्चों को पढ़ा दी जाती है सेल वाले चैप्टर के अंदर ही। तो हाँ जी, सेल में ही सारे सेल ऑर्गेनल्स आ जाते हैं, वैक्यूल बता दिया जाता है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट बता दिया जाता है, सेल सैप बता दिया जाता है उसके अंदर का, और जो इसके चारों तरफ फिर मिलने वाला जो प्रोटोप्लाज्म होगा या साइटोप्लाज्म का जो छोटा बहुत या थोड़ा बहुत अमाउंट होगा, हाँ जी वेस्टिज फॉर्म में या रेजिडुअल फॉर्म में ही बचा रहता है, क्योंकि 90-95% तक जो पोर्शन है वो सेल का वैक्यूल कवर कर लेती है। तो मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया। उस साइटोप्लाज्म के अमाउंट को आ जाएगा यूट्रिकल, वो आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। ये सब चीजें मैंने ऐड की हुई है जो है नोट्स के अंदर, तो आपको प्रॉपरली सीन हो जाएंगे। न्यूक्लियस कहाँ दिखाई दे रहा है वो आपको समझ में आ गया, सेंट्रली प्लेस्ड है, सिंगल दिखाई दे रहा है, एक है, क्लियर है, काफी बड़ा है, लार्ज है, लार्ज है, क्लियर है, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है आपको, हाँ जी। और जैसे मैंने कहा, जब बीच में मिड में एक सेंट्रल में एक बड़ी वैक्यूल आ जाएगी तो भी ये जो है सेंट्रली प्लेस से हो जाएगा पेरिफेरी शिफ्ट, हाँ जी। पेरिफेरी का मतलब पेरिफेरल साइड में, कॉर्नर पे किसी भी जगह, नीचे की तरफ हम दिखा देंगे नेक्स्ट जो डायग्राम बनेंगे उनमें आपको ये नीचे की तरफ जो है बना हुआ दिखाई देगा, वैसे किसी भी साइड आप इसको बना सकते हैं। तो मुझे लगता है न्यूक्लियस समझ में आ गया। अब न्यूक्लियस आप सब जानते हैं न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, क्या है न्यूक्लियस, तो पोलन ग्रेन का जो कंट्रोल सेंटर है वो यही है, बीच में है, और जितनी भी सेल होती है उन पे कंट्रोल करने का काम आप सभी को पता है न्यूक्लियस का है। तो अब यहां भी जो है कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस है, और जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं सबको जो है यही रेगुलेट करने वाला है। तो मुझे नहीं लगता इस स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा, तो चलिए कोई नहीं, बना देंगे आपके लिए, बट नेक्स्ट वीडियो में जब हम डेवलपमेंट करेंगे तो मैं वहीं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा दूंगा। हाँ जी, बार बार बनाया नहीं जाएगा, एक बार बना दिया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये बना हुआ दिख जाएगा। बस वहां मैं एक चीज और ऐड करूंगा, स्मॉल वैक्यूल्स, हाँ जी, बाकी जो है सारी चीज सेम रहेंगी, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला स्ट्रक्चर में, बिल्कुल सेम आपको दिखाई देगा। ये छोटा सा स्ट्रक्चर था कोलन ग्रेन का, बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने इसमें काफी मेहनत कर दी है इसको, हाँ जी, इधर ही बनाने में, ये बनाने में ही मैंने काफी मेहनत कर दी है, इसलिए मैंने आज इसको बोर्ड पे नहीं बनाया, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बना दिया जाएगा, टेंशन मत लें। इन चीजों से मैं आपको परिचित करवा चुका हूँ। फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज नोन एज, हाँ जी, शुरुआत में ही जो मेल गैमेटोफाइट है जिसे पोलन ग्रेन कह रहे हैं उसकी जो फर्स्ट सेल है उसे कहा जाएगा माइक्रोस्पोर। जब तक माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर है ये स्पोर, इन्हें कहा जाएगा माइक्रोस्पोर। जैसे ही इनके बीच का डिपोजिशन हटेगा कैलोस का, कैलेस से सेपरेट हो जाएंगे सभी के सभी, फिर कहा जाएगा इन्हें पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जो है सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, स्टार्टिंग में सिंगल सेल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, बाद में जैसे जैसे डेवलपिंग फेज में पहुंचेगा ये टू सेल हो जाएगा, और हाईली डेवलप होने के बाद में मैं कहूँ जैसे जैसे डेवलपिंग स्टेज में जाएगा थ्री सेल हो जाएगा। हाईली डेवलप फेज के अंदर जो है जर्मिनेट होगा, टू मेल गैमेट्स बन जाएंगे और एक वेजिटेटिव सेल, तो इस तरह से जो है थ्री सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा।
लिखा हुआ है जैसे आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम माइक्रोस्पोर टेट्राड ईच माइक्रोस्पोर इज रेफर्ड एज पोलन ग्रेन, ये कहूं माइक्रोस्पोर्स आर रेफर्ड एज पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट पोलन कोट एंड प्रोटोप्लाज्म। अब मुझे शायद नहीं लगता कि मुझे बताना पड़ेगा कि क्या है ये पोलन कोट। टू लेयर्स के अंदर डिवाइड है इतना आप सभी को मालूम है। पोलन कोट इट कंप्राइजेस टू मेन लेयर्स, जैसे लिखा हुआ कंपैरिजन बिटवीन एक्साइन एंड इंटाइन। अगर आप गौर से देखेंगे तो मैं पहले ही बता चुका हूं, इनको रिवाइंड करके देखो थोड़ा, सारे पॉइंट पहले ही बता दिए। एक साइड लिखा हुआ एक्साइन, एक साइड लिखा हुआ इंटाइन। पहले प्रॉपर्टीज हम स्टडी करने वाले, फिर कंपोजिशन, फिर फंक्शन। तो आप इनकी तरफ गौर से देखते रहे जी, थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूं ताकि आप क्लियर नजर आ जाए। ये लीजिए, मुझे लगता है आपको नजर आ रहा है। तो जैसे पहले बता दिया एक्साइन, कोई पूछे क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो आउटर लेयर ऑफ पोलन कोट, पोलन कोट की आउटर लेयर है। अब यहां इजीली आप लिख सकते हैं इनर लेयर ऑफ पोलन कोट, इजीली आपको लर्न हो जाएगा। वो थिक है, रिजिड है, हार्ड है, टफ है, हां जी अपने आप लिखते हैं, ये एक ही बात है, रिजिड हार्ड टफ एक ही बात है। तो ये थिक है और रिजिड है, ये जो है आपकी थिन है, मेम्ब्रेनस है। ये वाली डिसकंटीन्यूअस हो गई जिसे मैंने बताया, वहां जर्म पोर जहां होंगे इंटाइन से बने हुए, वहीं डिसकंटीन्यूअस होती है एक्साइन, जबकि ये कंटीन्यूअस है। तो ये कंटीन्यूअस आपको देखने को मिलेगी। ये प्रिकली है जबकि ये स्मूथ है, हां जी स्मूथ है, फ्लेक्सिबल है, बहुत पतली सी होती है, मेम्ब्रेनस है, फ्लेक्सिबल होने की वजह से ही पेक्टोफेलोस की है, इसी की वजह से इसमें से पोलन ट्यूब निकलेगी। ये टफ है, टाइट है स्पोरोपोलन की वजह से, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा आगे। तो वो चीज आपको समझ में आ गई शायद। हम चलते हैं कंपोजिशन पे, तो आपको पता है कंपोजिशन, वो बता ही चुका हूं। हां जी स्पोरो, इट कंसिस्ट ऑफ स्पोरोपोलन। अब कोई पूछे व्हाट इज स्पोरोपोलन, तो जवाब पता लग ही गया आपको, फैटी एसिड, एक तरह का ऑक्सीडेटिव पॉलीमर ऑफ कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स फैटी एसिड ही है, कैरोटीनॉइड्स और कैरोटीनॉइड एस्टर कह रहे थे और फैटी एसिड कह दे, एक ही बात है। हां जी लिपिड एस्टर कंपाउंड ही है, लिपिड एस्टर कंपाउंड है जिनमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में आपको एस्टर बॉन्ड देखने को मिलेगा। यहां लिखा हुआ है ऑक्सीडेटिव पॉलीमर ऑफ कैरोटीनॉइड्स और जो है फैटी एसिड, एक ही बात है। अब कोई पूछे कि इंटाइन किसकी बनी हुई है, तो आप सभी को मालूम है कंपोजिशन, आपको पता लग गया है, आपको कंपोजिशन पता लग गया है, ठीक है, स्पोरोपोलन का बना हुआ है। ये चीज मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं, कंसिस्ट ऑफ पेक्टोसेलुलोज। अब पेक्टोसेलुलोज में दो चीजें आप सब जानते हैं, पेक्टिन है, कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट, साथ साथ सेलुलोज है। सेलुलोज क्या है, ग्लूकोज जो है उसमें फर्स्ट और जो है फोर्थ, हाँ जी टू ग्लूकोज के बीच में लिंक देखने को मिलता है, वन फॉर बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जब 3000 ग्लूकोज जुड़ते हैं, कितने 3000 ग्लूकोज जुड़ते हैं, तब बनता है सेलुलोज। मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, हाँ जी ग्लूकोज जो है उनके बीच, जो है बहुत सारे ग्लूकोज के बीच में वन फॉर बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है। इन चीजों को आप 11th तक पढ़ के आ जाते हैं, चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, उनमें तो इनकी चर्चा हम 11th वाले पोर्शन में ही करेंगे। तो मुझे लगता है यहां तक समझ आ गया है, 3000 जो है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ के बना लेते हैं सेलुलोज। अभी हम इन चीजों की चर्चा नहीं कर रहे, बट अभी तो आप समझ ले ये पेक्टिन और सेलुलोज का बना हुआ है पोलन ग्रेन, बहुत ईजी है। हाँ जी इसको लर्न करना तो बहुत ईजी है। फंक्शन या रोल क्या है, तो ये लिखा हुआ है इट प्रोटेक्ट्स पोलन फ्रॉम फिजिकल, फिजिकल में क्या क्या चीज आ गई, वही वाटर आ गया, वही जो है इसमें टेम्परेचर आ गया, लिखा हुआ टेम्परेचर H2O है, 2 लगा लेना वो गलती से रह गया है, जी सॉरी टेम्परेचर H2O है। केमिकल्स जो है काफी सारे जिनमें एसिड हो गए, हॉर्मोन हो गए, एंजाइम हो गए, बहुत सारे वाइटल फैक्टर या बायोलॉजिकल फैक्टर हो गए जिनमें आपके फंजाई और बैक्टीरिया है, ये लिखा है, ये लिखे हुए। अब ये बचता कैसे पोलन, तो लिखा हुआ ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलन, अब इसी की वजह से फॉसिल फॉर्म में देखने को मिलते हैं, बताई चुका हूं। दस पोलन ग्रेन्स ऑब्टेन इन फॉसिल फॉर्म, तो बहुत इजी था। तो अब जिस इसका आपको पता है ये पार्टिसिपेट करेगा, पार्ट लेगा किसमें, जर्म पोर के फॉर्मेशन में, तो लिखा हुआ इट पार्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जर्म पोर। अब जर्म पोर से निकलेगी पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब जब निकलेगी, जब प्रेशर लगेगा साइटोप्लाज्म का, जो पोलन ग्रेन में अभी मैंने बताया पोलन ग्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म था, जब वो जर्म पोर पे प्रेशर लगाता है तो इंटाइन जो है वो स्मूथ होती है, काफी फ्लेक्सिबल होती है, तो इंटाइन जो है अपनी लेंथ बढ़ा लेती है। इसका मतलब जो पोलन ट्यूब बनेगी वो पेक्टोसेलुलोज की ही बनेगी,
एंड लिखा हुआ है एंड पोलन ट्यूब इमर्ज फ्रॉम दिस जर्म पोर बाय द प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म। तो वो पूछे पोलन ट्यूब, हाँ जी, तो पोलन ट्यूब हाँ जी स्पोरोपोलिन की नहीं बनी होती, पेप्टोसेल्युलोज की, तो इंटाइन से बन रही है। तो मुझे लगता है यहां तक लर्न हो गया, बहुत इजी चीज थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हाँ जी यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है इजीली लर्न हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, वो है प्रोटोप्लाज्म। और सर जी भी बता दिया आपने, इट कंप्राइजेस टू पार्ट, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म बता चुका हूं, साइटोप्लाज्म जो है काफी डेंस साइटोप्लाज्म है पोलन ग्रेन का। तो लिखा हुआ है पोलन ग्रेन कंटेन्स डेंस साइटोप्लाज्म, पोलन ग्रेन इज यूनिसेलुलर इन इनिशियल स्टेट। वो चीज भी क्लियर कर चुका हूं, शुरुआत में सिंगल सेल है, हां जी यूनिसेलुलर है, बाद में टू साइड हो जाएगा बाइसेलुलर या डाइसेलुलर, इसके बाद में जो है ट्राइसेलुलर या थ्री सेल स्टेज में पहुंच जाएगा। तो पोलन ग्रेन इज यूनिसेलुलर इन इनिशियल स्टेट, इनिशियल मतलब बिगिनिंग में, शुरुआत में, विच कंटेन्स डेंस साइटोप्लाज्म विद मैनी सेल ऑर्गेनल्स। अब सारे सेल ऑर्गेनल आपको मैंने सीक्वेंस से बता दिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद मैंने आपको बता दिया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिक्टियोसोम, प्लास्टिड। अभी यहाँ पे जो है छोटी छोटी वैक्यूल देखने को नहीं मिलती, हाँ जी। तो जैसे जैसे डेवलपिंग स्टेज में पहुंचेगा तो यहाँ स्मॉल साइज की वैक्यूल्स बन जाती हैं। तो लिखा हुआ है विद मैनी सेल ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम गोल्जी बॉडी है, हाँ जी। यहाँ प्लांट के अंदर नाम दिया गया डिक्टियोसोम, प्लास्टिड्स के अंदर यहाँ मैंने सीपी बनाया हुआ था, क्लास्ट जो है क्लोरोप्लास्ट एटसेट्रा। तो ये सारे सेल ऑर्गेनल देखने को मिलते हैं, जिसमें मैंने बताया एटीएस राइबोसोम भी आप यहाँ बना सकते हैं। इन डेवलपिंग स्टेट लिखा हुआ है मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड, हाँ जी बहुत सारी छोटी छोटी वैक्यूल्स बनेंगी जिन जो फ्यूज होंगी, एक दूसरे से जुड़ेंगी, और इनका एसोसिएशन जो है जब होगा तो वन और टू लार्ज वैक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगी। लिखा हुआ है विच गिव राइज वन और टू लार्ज वैक्यूल्स इन द सेंटर, हाँ जी। अब बीच में आ जाएंगी सारी की सारी जो है वैक्यूल, एक होके या दो होके, तो इसकी वजह से सारा का सारा साइटोप्लाज्म जो है वो पेरिफेरी में चला जाता है या पेरिफेरल हो जाता है। उसको नाम बता ही चुका हूँ, यूट्रिकल कहा जाता है कोशिका धृति। तो लिखा हुआ है वन और टू लार्ज वैक्यूल इन द सेंटर, तो बीच में आ गई है अब ये ऑफ पोलन ग्रेन। ड्यू टू दिस साइटोप्लाज्म बिकम पेरिफेरल, साइटोप्लाज्म हो जाएगा सारा, बहुत थोड़ा सा रह जाएगा, इसे यूट्रिकल कहा जाएगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा दिस नोन एज के और स्लैश लिखा हुआ है एज नोन एज यूट्रिकल। यूट्रिकल का मतलब कोशिका धृति, बहुत थोड़ा सा रेसिडुअल या वेस्टिज फॉर्म में है साइटोप्लाज्म। तो मुझे लगता है यहां तक समझ आ गया है। अब हम चर्चा करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस बहुत इजी था, अब इसका जवाब है हाँ जी वही चीज जो हर सेल के अंदर आपको जनरली देखने को मिलती है, एक बड़ा क्लियर, लार्ज क्लियर और जो है सेंट्रली प्लेस जो है न्यूक्लियस, यहाँ देखने को मिलेगा इनिशियल स्टेट में। तो लिखा हुआ पोलन ग्रेन कंटेन्स अ लार्ज क्लियर एंड सेंट्रली प्लेस न्यूक्लियस, लेकिन शुरुआत में जैसे जैसे डेवलपिंग स्टेज में आएगा, जब बहुत सारी वैक्यूल जुड़ के एक बड़ी वैक्यूल बना लेगी तो मिड में आ जाएगी या सेंटर में आ जाएगी वैक्यूल, तो ये पेरिफेरी पर चला जाएगा, यानी कि पेरिफेरल हो जाएगा पोजीशन में। लिखा हुआ है दैट बिकम्स पेरिफेरल इन डेवलप्ड स्टेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल, जब लार्ज वैक्यूल बन जाएगी तब। और बाकी मैं बता ही चुका हूं, हाँ जी न्यूक्लियस इज कंट्रोल सेंटर ऑफ पोलन ग्रेन दैट रेगुलेट्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ पोलन ग्रेन। तो लिखा हुआ है न्यूक्लियस इज कंट्रोल सेंटर ऑफ पोलन ग्रेन दैट रेगुलेट्स All activities of all metabolic activities, एक ही बात है। तो जो हमारा टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, मुझे लगता है आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा, और बहुत छोटा सा बहुत इजी सा टॉपिक था, शायद ही लर्न हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हाँ जी। पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट से पहले एक छोटा सा टॉपिक आता है, वो है पॉलीस्पोरी, इसे बहु बीजाणुता के नाम से भी जाना जाता है। कोई पूछे व्हाट इज पॉलीस्पोरी, तो बहुत इजी सा इसका जवाब है, जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है प्रॉपर्टी ऑफ पोलन ग्रेन्स, हाँ जी प्रॉपर्टी ऑफ पोलन्स कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ पोलन ग्रेन्स कहते हैं की बात है, प्रॉपर्टी ऑफ पोलन ग्रेन्स इन विच मैनी पोलन्स आर कंबाइंड विद ईच अदर
एंड फाउंड इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म सच एज कंपाउंड पोलन पोलिनियम एटसेट्रा एंड दिस स्टेट इज नोन एज पॉलीस्पोरी। मैं अपनी बात फिर से रिपीट करता हूं। हां जी, पराग कणों का वह गुण जिसके अंतर्गत अनेक पराग कण परस्पर संयुक्त होकर एक जटिल स्वरूप बनाते हैं, जिसमें संयुक्त पराग कण और पोलिनियम जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिले हैं। तो मैं फिर से अपनी बात रिपीट करता हूं। हाँ जी, पराग कणों का वह गुण जिसके अंतर्गत अनेक पराग कण जटिल रूपों जैसे संयुक्त पराग कण व पोलिनियम आदि संरचनाओं के रूप में मिलते हैं, इस अवस्था को बहुबीजाणुता या पॉलीस्पोरी के नाम से जाना जाता है। अब हाँ जी, जैसे मैंने कहा कंपाउंड पोलन एंड पोलिनियम, तो अब हमारे जहन में सवाल उठता है कि व्हाट इज पोलिनियम, ये पोलिनियम क्या है। तो बहुत इजी सा इसका जवाब है, जैसा कि आपको पोलिनियम से पहले कंपाउंड पोलन लेते हैं। हाँ जी, मैनी पोलन ग्रेन्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर टू गिव्स राइज माइक्रोस्पोर डायड, माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर पोलियाड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टिकी पॉलीसेकेराइड कैलोस। तो बहुत इजी सा इसका जवाब था। जैसे कोई पूछे कि व्हाट इज कंपाउंड पोलन, तो आपके पास में जवाब है, लिखा हुआ है, इजीली आप सीन कर सकते हैं। मैनी पोलन्स एसोसिएटेड विद ईच अदर टू गिव्स राइज माइक्रोस्पोर डायड। हाँ जी, लघु बीजाणु द्विक कहा जाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड चतुष कहा जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड को, माइक्रोस्पोर पोलियाड बहुत सारे जुड़ेंगे तो पोलियाड, हाँ जी टू जुड़ेंगे तो डायड, ठीक है फोर जुड़ेंगे तो टेट्राड, अगर बहुत सारे जुड़ते हैं जिसे बहुसंयुज कहा जाता है तो पोलियाड कहलाएगा। और जुड़ने का कॉज पहले से बताता आ रहा हूं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टिकी पॉलीसेकेराइड दैट इज कैलोस एंड दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज रेफर्ड एज पोलन ग्रेन। तो यहां से थ्री एग्जांपल आपको देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से टाइफा ऑस्ट्रेलिस सीबीएसई में स्पॉटिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। टाइफा ऑस्ट्रेलिस, इसे कैट टेल के नाम से जाना जाता है, एक तरह का एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक एम्फीबियन प्लांट कहूं ज्यादा बेहतर रहेगा, शेलो वाटर के अंदर देखने को मिलता है, जिसका जो है हाफ पोर्शन पानी के अंदर डिप रहता है और हाफ पोर्शन जो है वो पानी से बाहर रहता है। हाँ जी, एक्वेटिक सोर्स से बाहर रहेगा। और जो लीव्स हैं उनका रोजेट आपको क्लस्टर दिखाई देता है, गुच्छा, उसकी वजह से जो है वो गुच्छा बिल्ली की पूंछ की तरह नजर आता है, इसकी वजह से नाम दिया गया कैटटेल जो है कैटटेल टाइफा ऑस्ट्रेलिस है। और टाइफा ऑस्ट्रेलिस में जो है आपको कंपाउंड पोलन देखने को मिलते हैं। एक इंसेक्टिवोर्स प्लांट मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, नाम सेंडियो आप शायद सब जानते हैं, सेंडियो जिसे ड्रोसेरा कहा जाता है, ड्रोसेरा रोटेंडीफोलिया नाम है, ड्रोसेरा रोटेंडीफोलिया नाम है। इसके अलावा आपको यहाँ क्रिप्टोस्टीजिया मैंने लिखा हुआ है, क्रिप्टोस्टीजिया ग्रैंडिफ्लोरा। एक एग्जांपल और मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, जिसके मैं यहाँ पोलन ग्रेन आपको दिखाने वाला हूँ। हाँ जी, पोलियार्ड में यहाँ दिखाऊंगा, जिसके पोलियार्ड आपको देखने को मिलेंगे वो है माइमोसा पुडिका, और इस नाम से आप सभी परिचित हैं। हाँ जी, जिसमें वही थिग्मोनेस्टी पाई जाती है, हाथ लगाने, टच मी नॉट प्लांट, इसको हाथ लगाते ही वो जो इसकी लीव्स हैं वो सिमट जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो वो है माइमोसा पुडिका। उसके फ्लावर के अंदर जो है आपको पोलियार्ड देखने को मिलता है, तो एक बार आप सीन कर लें सभी। तो जैसे कि ये दिखाया हुआ है माइक्रोस्पोर डायड है, यहां आपको टू एक सिंगल माइक्रोस्पोर ये रहा और एक सिंगल माइक्रोस्पोर ये रहा, दोनों जो हैं वो एक दूसरे से इनके मिड में होता है वो स्टिकी पॉलीसेकेराइड, और उसकी वजह से चिपके हुए हैं और प्रॉपर ऑर्नामेंटेशन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ स्पाइक दिखाई नहीं दे रहे, बट यहाँ रफ सरफेस क्लियर दिखाई दे रही है, और दिखाई दे रहा है ये आपको रफ है, ठीक है, उभरा हुआ है और ये रफ है इसका सरफेस। दोनों पोलन ग्रेन जो इनकी एग्जाइन जो है प्रॉपरली आपको दिखाई दे रही है, जैसे मैंने कहा दोनों के बीच में जो स्टिकी पॉलीसेकेराइड है उसे नाम दिया गया कैलोस। तो ये है माइक्रोस्पोर डायड, जहां टू पोलन ग्रेन आपको एक बंच में दिखाई दे रहे हैं। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड अलग अलग क्या तरह के आपने देखे, जिनमें से माइक्रोस्पोर जो है टेट्राड टेट्राहेड्रल कंडीशन देखी, जिसमें वन माइक्रोस्पोर ये रहा
वन माइक्रोस्पोर ये रहा, वन माइक्रोस्पोर ये रहा, और सर पॉड्स ना वो इसके बैक में पीछे के साइड, और उनके बीच में जो ये डिपोजिशन दिखाया हुआ है ये कैलोस के मॉलिक्यूल्स जो है प्रॉपर दिखाए गए हैं। अब यहाँ जो ऑर्नामेंटेशन दिखाया हुआ है इनकी एक्साइन का, वो आपको प्रॉपर सीन हो रहा है, वो स्पाइकी है या प्रिकली जो है एक्साइन यहाँ प्रॉपरली दिखाई दे रही है, बट अब इस पे दिखाई नहीं दे रही क्योंकि ये कैलोज है। तो ये आपके आपको दिखाई दे गया है माइक्रोस्कोप टेट्राड, और बहुत अच्छे से आप देख लें इस तरह का जो है ड्रोसेरा के अंदर देखने को मिलता है। हाँ जी, अब ये जनरल है, नॉर्मली जो है किसी के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा माइक्रोस्कोप टेट्राड जो है आपको डायकोटिलीडंस में देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ जिन हम कंपाउंड पोलन्स की बात कर रहे हैं वो पोलन डिस्पर्स होने के बाद तक भी कंपाउंड स्टेज के अंदर ही देखने को मिलते हैं, जबकि जनरली जो है माइक्रोस्पोरेंजियम की जो कैविटी है वहीं पे ही माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है उनके बीच से कैलोज का डिपोजिशन रिमूव हो जाता है, और वो एक सिंगल सिंगल जो है माइक्रोस्पोर्स के अंदर जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से डिटैच हो जाते हैं। तो यहाँ हम जिनके बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है कंपाउंड पोलन। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम जिस कंपाउंड का जिक्र कर रहे हैं वो है कंपाउंड पोलन, वो है माइक्रोस्पोर पोलियार्ड। आपको दिखाई देगा अब जैसे मैंने कहा माइमोसा पुडिका में बहुत सारे कंपाउंड पोलन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको बहुत सारे कंपाउंड पोलन दिखाई दे रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसे आपको ये दिखाई दे रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये काफी सारे पोलन एक साथ बंच में जुड़े हुए हैं। ये माइमोसा पुडिका के पोलन ग्रेन्स हैं जो कंपाउंड पोलन की फॉर्म में आपको क्लियर नजर आ रहे हैं। इनकी जो पोलन ग्रेन की जो एक्साइन है वो भी काफी टफ और थिक होती है, काफी रिजिड होती है, और इस तरह का आपको माइमोसा पुडिका में देखने को मिलेंगे। इनको जो भी मैंने स्ट्रक्चर दिखाया आपको उनको मैग्नीफाइड करके दिखाया हुआ, बड़ा करके दिखाया हुआ है, तो काफी इंटरेस्टिंग लगे ताकि हाँ जी मुझे लगता है यहां तक आपको लर्न हो गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं जो मैंने फॉर एग्जांपल बोले, हाँ जी थ्री लिखे हुए थे मैंने, फॉर बोल दिए टाइपा ऑस्ट्रेलिस, ड्रोसेरा रोटेंडिफोलिया और क्रिप्टोस्टीजिया ग्रैंडिफ्लोरा, और जो लास्ट मैंने बोला जिसके पोलन ग्रेन है वो है माइमोसा पुडिका। तो मुझे लगता है यहां तक आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बैठता है वो है पोलिनियम। इसी के अंदर पोलिस्पोरी के अंदर मैंने टू स्टेट बताई आपको, एक कंपाउंड पोलन और एक पोलिनियम। बहुत ही एंटी बहुत ही यूनिक फीचर है एस्क्लेपियडेसी एंड ऑर्किडेसी फैमिली का जो पोलिनिया के रूप में हमको देखने को मिलता है, और जनरली एंटोमोफिलस फ्लावर के अंदर देखने को मिलता है ऐसा। तो मैं यहाँ पे आपको कैलोट्रोपिस प्रोसेरा का स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ और वहां आपको बहुत अच्छे से पोलिनिया दिखेगा। मैं पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, कुछ कीट परागित पुष्पों में अनेक परागकण परस्पर संयुक्त होकर एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं जिसमें तीन मुख्य भाग हैं, कॉर्पस्कुलम, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉर्पस्कुलम, ट्रांसलेटर आर्म। ट्रांसलेटर आर्म या ट्रांसलेटर भुजा अपने आप जो है खुद भी दो भागों से बनी हुई है, जिसमें एक है रेटिनाकुलम और एक है क्यूटिकल, अभी आपको ये दोनों दिखाई दे जाएंगे, और जो लास्ट थर्ड पोर्शन है वो है पोलिनियम या पोलिनिया। मैं फिर से अपनी बात रिपीट करता हूँ, थ्री पार्ट जो मैंने बोले उनमें फर्स्ट है कॉर्पस्कुलम, सेकेंड है ट्रांसलेटर आर्म और थर्ड है पोलिनिया। जो खुद ट्रांसलेटर आर्म था या ट्रांसलेटर भुजा थी वो फिर से टू पार्ट्स से जो है टू पार्ट्स के अंदर बटी हुई थी, इसमें रेटिनाकुलम और क्यूटिकल, या मैं कुछ डिफाइन इस तरह से करूं इसको। अब इन सम एंटोमोफिलस फ्लावर मेनी पोलन ग्रेन्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर टू गिव्स राइज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ थ्री पार्ट्स, कॉर्पस्कुलम, ट्रांसलेटर आर्म। ट्रांसलेटर आर्म अगेन और इटसेल्फ कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट रेटिनाकुलम एंड क्रिटिकल एंड लास्ट इज पोलिनिया, या सीधे सीधे कहूं कि पोलिनियम कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, कॉर्पस्कुलम, ट्रांसलेटर आर्म एंड पोलिनियम। तो मुझे लगता है यहां तक आपको समझ आ गया है। हाँ जी, ट्रांसलेटर भी कहते हैं, ट्रांसलेटर कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, कॉर्पस्कुलम, ट्रांसलेटर आर्म एंड पोलिनिया। तो मुझे लगता है यहां तक समझ आ गया और टू फैमिलीज आपको शायद लर्न हो गई हैं,
और नाम बोलना सीख ले आप अच्छे से, एस्क्लीपीएडेसी है फैमिली का नाम, एस्क्लीपीएडेसी एंड ऑर्किडेसी। यहाँ एस्क्लीपीएडेसी का एक मेंबर आपको शायद समझ आ गया, वो है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, जिसे आक या आकुड़ा कहा जाता है। फिर से अपनी बात रिपीट करता हूँ, एस्क्लीपीएडेसी फैमिली का मेंबर है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, आकुड़ा या आक, उसके बारे में आप सब जानते हैं। तो जी अब मुझे मालूम है आप सबने ये देखा हुआ है आक या आकुड़ा, और जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये काफी अच्छा सा स्ट्रक्चर, इसे गायनोस्टीजियम कहा जाता है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी कहाँ है पोलिनिया, वो इधर है, यहाँ मौजूद है, ये मौजूद है यहाँ। तो फाइव पोलिनिया होते हैं, फाइव, इनकी हम चर्चा करेंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये फ्लावर के, ये स्टेमन के कहूं या एंथर के कोरोनरी आउटग्रोथ है, जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये स्टेमन के या एंथर के कोरोनरी आउटग्रोथ है, जो स्टिग्मा या पिस्टिल वाले पोर्शन के साथ फाइव के फाइव जो पार्ट है स्टेमन के, ये मर्ज होकर या जुड़कर एक पेंटागोनल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपको दिखाई दे रही है अच्छे से, इसे गायनोस्टीजियम कहा जाता है। तो अभी इनके बारे में चर्चा करेंगे, अभी आगे थर्ड चैप्टर आएगा वहां आपको इस तरह का हार्पोगैमी वर्ड देखने को मिलेगा एक, और वहां आपको पोलिनियम फिर से पढ़ने को मिलेगा और गायनोस्टीजियम वर्ड वहीं पढ़ने को मिलेगा, जिसका ये डायग्राम भी मैं आपके लिए वहां बना दूंगा, बट ना तो ये सीबीएसई में है ना ये आरबीएससी में, आपको बट इंटरेस्टिंग लगेगा, गायनोस्टीजियम कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, हाँ जी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफी बार इनका जिक्र आया है, जैसे एम्स के कई एग्जाम हुए उनके अंदर, और कई जो नीट के जो पहले अगर पेपर उठा के देखेंगे प्रीवियस, तो वहां इनका जिक्र कई बार मिला है, और बहुत सारे जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं या नर्सिंग से रिलेटेड, वहां भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो हाँ जी तो मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे, अभी उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, अभी इजी इजी चीजों को अच्छे से समझ ले आप। इसमें मैंने आपको पोलिनियम बता दिया है, ये जो है आक आपको दिखाई दे रहा है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, कहाँ है वो पोलिनियम वो आपको दिखाई दे जाएगा अच्छे से, एक बार देख लें आप, जो आपने अभी ये देखा ये वाला पार्ट, इसको अब मैग्नीफाइड करके दिखाया हुआ है, स्टिग्मा वाले पोर्शन को मैग्नीफाइड करके दिखाया हुआ है, ये देखिए ये आपको ये पेंटागोनल डिस्क जो है आपको दिखाई दे रही है, ये जो आपको स्टेमन वाले पोर्शन है वो दिखाई दे रहे हैं, और ये है पोलिनियम, ये है पोलिनियम, ये है पोलिनियम, बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, जिनमें ये कॉर्पस्कुलम है, ये ट्रांसलेटर आर्म है जिसके टू पार्ट है, इसे कहा जाएगा रेटिनाकुलम, और जो बाद वाला जो ब्रॉड एंड है इसे कहा जाता है क्यूटिकल, और जो ये पाउच जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं टू, इन्हें कहा जाता है पोलिनिया, दो है पोलिनिया सिंगल पोलिनियम, तो इनके अंदर है जो है इनके अंदर है पोलन ग्रेन्स, पोलिनिया के अंदर है पोलन ग्रेन्स, जो इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ बना रहे हैं। और बेहतर समझने के लिए एक एरोट्रोपस प्रोसेरा का ये स्टिग्मा निकाला हुआ है और मैग्नीफाइड कर दिया और बढ़ा दिया इसको, अब आपको प्रॉपरली सीन हो रहा है, ये कॉर्पस कुलम दिखाई दे रहा है और ये रेटिनाकुलम, यहाँ मैंने लेवल किया हुआ है सबको एड कर दिया है, ये आपको ये दिखाई दे रहा है रेटिनाकुलम, ये क्यूटिकल जो इसका बेस वाला पार्ट था, ये जो एंड वाला पार्ट था रेटिनाकुलम का ब्रॉड एंड, ये क्यूटिकल कहलाता है, और जो इस तरह के आपको जो बैग दिखाई दे रहे हैं या सैक या पाउच, उन्हें पोलिनिया कहा जा रहा है, सिंगल पोलिनियम और टू पोलिनिया, और इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को या एंटायर स्ट्रक्चर को कहा जाता है ट्रांसलेटर, हम पोलिनियम इसी को कह देते हैं, बट जनरली जो है ये ट्रांसलेटर है, पोलिनियम ये है, और ट्रांसलेटर आर्म कहा थी शायद नजर आ गए, यहां से लेकर यहां तक का ब्रॉड हैंड तक का जो पोर्शन था वो ट्रांसलेटर आर्म था। तो आप सभी को शायद समझ आ गया, ट्रांसलेटर कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, कॉर्पस्कुलम, ट्रांसलेटर आर्म एंड पोलिनिया, ट्रांसलेटर आर्म अगेन और इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, रेटिनाकुलम एंड कॉर्टिकल। तो बहुत अच्छे से शायद अब आपको अच्छे से समझ आ गया, ये मैं कुछ इस तरह से कह दूं, पोलिनियम कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, कॉर्पस्कुलम, ट्रांसलेटर आर्म इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, रेटिनाकुलम एंड कॉर्टिकल, एंड लास्ट पार्ट इज पोलिनिया। तो बहुत अच्छे से शायद समझ आ गया है, ये नेक्स्ट जो है इसी को ही ओवर ब्रॉड करके दिखाया हुआ, ये कॉर्पस्कुलम हो गया, ये आपका रेटिनाकुलम हो गया, ये आपका क्यूटिकल हो गया, यहाँ भी क्यूटिकल हो गया, ये पोलिनिया हो गए दो पोलिनिया,
ये हम कह रहे सिंगल जो पूरा स्ट्रक्चर है ये ट्रांसलेटर या पोलीनियम। अब एंटोमोफिलस फ्लावर का मतलब आप सभी जानते हैं इंसेक्ट पोलिनेशन जहां देखने को मिलता है। तो ये किसमें हेल्प करेंगे, ये क्रॉस पोलिनेशन के लिए बनाए गए हैं। हाँ जी, ताकि अब पोलन ग्रेन जितने भी हैं सब इसके अंदर बंच में गुच्छों में, तो इसकी वजह से क्या है अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर ये कभी नहीं फटते, तो हाँ जी ये जर्मिनेट नहीं होते यहां। जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है जनरली हनी भी, वो इसके माउथ पार्ट पे हनी भी के माउथ पार्ट पे या जो है ये उसकी इंसेक्ट की लेग पे जो ये अटक जाता है ये रेटिनोकुलम का पार्ट या ट्रांसलेटर आर्म जो है उससे इंसेक्ट की आर्म से जो है ये अटैच हो जाता है। जब वो इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर पर जाता है तो ये पोलिनियम फटते हैं वहां और ये पोलन ग्रेन इसके बिखर जाते हैं वहां और फिर वहां जर्मिनेशन देखने को मिलता है। तो आप देख लें एक बार, ये आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है एपिस सेरेना इंडिका या एपिस इंडिका हनी भी है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये फ्लावर है कैलोट्रोपस फॉसर है, दिखाई दे रहे हैं। और गौर से आप देखेंगे तो ये इसकी इंसेक्ट की लैग है, ये रही लैग, ये ठीक है, ये इसका माउथ पार्ट है, माउथ पार्ट वाला इतना क्लियर नहीं नजर आ रहा ये पोलिनियम, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको ये पोलिनियम ये नजर आ रहा, ये इसका जो जो है कॉर्पस्कुलम वाला पोर्शन यहाँ फंसा हुआ है, ये इसकी आर्म ये रही ट्रांसलेटर आर्म, ये ट्रांसलेटर आर्म ये रही, और ये एक पोलिनिया ये रहा, सॉरी कोई नहीं, एक पोलिनिया ये रहा, एक पोलिनिया ये रहा, एज इट इज आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये रहे दो पोलिनिया। अब आप माउथ पार्ट में जैसे मैंने निकाल दिया था पहले ही, कोई बात नहीं, ये भी एपिस सेरेना इंडिका जिसे आप कह दें हनीबी, हनीबी अब आपको दिखाई दे रहा है, ये हनीबी के माउथ पार्ट दिखाई दे रहे हैं और ये इसका कॉर्पस्कुलम वाला पोर्शन जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रांसलेटर आर्म हो गई, एक पोलिनिया ये रहा, एक पोलिनिया ये रहा, और काफी अच्छे से काफी ब्रॉड नजर आ रही है, और उसमें बहुत छोटे छोटे होते हैं, आपको शायद इतना भी पता लग गया कि ये पोलिनियम कितना इनका जो है साइज काफी छोटा है बहुत, हाँ जी, क्योंकि हनी भी खुद ही काफी छोटी है तो उसके उसके कंपैरिजन में आपको इतना सा नजर आ रहा है, तो मैग्नीफाइड करके दिखाया हुआ है। तो यहां तक अच्छे से शायद समझ आ गया है, जो फोर एग्जाम्पल है जिनमें से मैं वन एग्जाम्पल को यहाँ जो है बता चुका हूँ कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, नेक्स्ट जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है एस्क्लिपियास ट्यूब्रोसा। हाँ जी, एस्क्लिपियास ट्यूब्रोसा को मिल्क वीट भी कहा जाता है। ये जो मैंने दोनों एग्जाम्पल बोले एस्क्लिपियास तो इजीली लर्न हो जाना चाहिए, एस्क्लिपियेडेसी फैमिली का मेंबर है इसलिए, और कैलोट्रोपिस प्रोसेरा और आर्कोडा है उससे आप सभी परिचित हैं पहले से। अब मैं आता हूँ ऑर्किडेसी फैमिली के दो मेंबर जो मैंने बताए, उनमें फर्स्ट है किलोवाइन क्रिस्टाटा और एक है जुगजाइन पॉलीगोनोइडीज। तो मुझे लगता है अभी लर्न नहीं हुए, एक है किलोवाइन, किलोवाइन की स्पीसीज है किलोवाइन क्रिस्टाटा और एक है जुगजाइन, जुगजाइन की जो स्पीसीज है वो है जुगजाइन पॉलीगोनोइडीज। तो जुगजाइन और किलोवाइन दो वर्ड आप याद कर लें, इनके अलावा आप ऑर्किड कोई से भी ऑर्किड याद कर सकते हैं जिनमें वांडा टेजिलेटा, वांडा टेजिलेटा, वांडा को हम वांडा भी कहते हैं। इसके अलावा आप वनीला फ्रेग्रेंस याद कर लें, ये जो मैंने बोले फॉर ये ऑर्किड ही है, सभी ऑर्किड के अंदर जो है पॉलिनियम देखने को मिलता है। मुझे लगता है यहां तक लर्न हो गया है और अच्छे से समझ भी आ गया है कि कहां था पॉलिनियम। तो एक बार आप देख लें पॉलिनियम है ट्रांसलेटर, जी अभी मैं नहीं बनाया हुआ है, ये कॉर्पस्कुलम आपको दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे से क्योंकि ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये रेटिनाकुलम दिखाया हुआ है। अब इसका जो ब्रॉड एंड है ये वाला जो एंड है इसको क्यूडिकल कहा जाता है, और कंप्लीट रेटिनाकुलम और क्यूडिकल को मिला के कहा जाता है ट्रांसलेटर आर्म। तो यहां से यहां तक की थी ट्रांसलेटर आर्म, ये वाला हिस्सा कहलाता है जो इनिशियल वाला है जो कॉर्पस्कुलम के जस्ट पास है, ये रेटिनाकुलम जो पोलिनिया के पास है वो ब्रॉड वाला जो रेटिनाकुलम के ब्रॉड वाला एंड है वो क्यूडिकल कहलाता है। ये पोलिनिया हो गए दो, सिंगल वो कहा जाता है पोलिनियम, लिखा हुआ है सिंगुलर पोलिनियम, और एंटायर जो स्ट्रक्चर बनाए या जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाए इसे कहा जाता है ट्रांसलेटर। एक बार आप डेफिनेशन सीन कर ले अच्छे से, इन सम एंटोमोफिलस फ्लावर्स जहां कीट परागण चलता है इंसेक्ट पोलिनेशन, मैनी पोलन ग्रेन्स
और मैनी पोलन्स कंबाइन विद ईच अदर टू गिव राइज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, जिसमें से तीनों पार्ट आपको पता लग गए हैं, कॉर्पस्कुलम, ट्रांसलेटर आर्म एंड पोलिनिया. ट्रांसलेटर आर्म इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, रेटिनाकुलम एंड क्यूटिकल. दिस एंटायर स्ट्रक्चर रेफर्ड एज ट्रांसलेटर और पोलिनियम. और फॉर एग्जाम्पल वो आपको शायद अच्छे से नजर आ जाए, ये लीजिए कुछ एस्क्लीपीएडेसी फैमिली के मेंबर लिखे हुए, कैलोट्रोपिस, प्रोसेरा, आक या आकोड़ा. और सेकंड लिखा हुआ मिल्कवीड, इसी से याद हो जाएगा, एस्क्लीपियास, एस्क्लीपियास ट्यूब्रोसा, एस्क्लीपीएडेसी फैमिली से याद हो जाएगा, एस्क्लीपियास ट्यूब्रोसा. मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑर्किडेसी, किलोवाइन, स्पेल देख लें आप, सी ओ ई है और ओ आ जाएगा, किलो ओ है यहाँ, एल ओ है, इसको ओ कर लेना, किलोवाइन क्रिस्टाटा, C-R-I-S-T-A-T-A, किलोवाइन क्रिस्टाटा एंड जुगजाइन पॉलीमोनोइडीज. इनके अलावा मैंने बताया वांडा टेसिलेटा, जिसे वांडा कहा जाता है, और वनीला फ्रेग्रेंस, वनीला आप सभी जानते हैं, जिसका एसेंस जो है वो हाँ जी वो आइसक्रीम के अंदर भी देखने को मिलता है. हाँ जी, तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको अच्छे से जो छोटे छोटे टॉपिक थे, जिनमें हमारा मेन टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट, बट कंपाउंड पोलन और पोलिनियम इनके एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पूछे गए हैं. पोलिस्पोरी टर्म से आप सभी परिचित हो चुके हैं मुझे लगता है अच्छे से. कंपाउंड पोलन के थ्री एग्जाम्पल मैंने जो बताए वो आपको अच्छे से लर्न हो गए हैं. टाइप ऑफ ऑस्ट्रेलिस, ड्रोसेरा, रोटिनिफोलिया, क्रिप्टोस्टीजिया, ग्रैंडिफ्लोरा. एक मैंने और एक्स्ट्रा बताया, माइमोसा पुडिका. इसके अलावा आपको पोलिनियम के फोर एग्जाम्पल अच्छे से लर्न हो गए हैं. एस्क्लीपीएडेसी फैमिली के जो टू मेंबर्स हैं, कैरोट्रोपिस प्रोसेरा एंड एस्क्लीपियास ट्यूब्रोसा. इसके अलावा ऑर्किडेसी के टू मेंबर्स यहाँ लिखे हुए थे, किलोवाइन क्रिस्टाटा, सी ओ ई एल ओ कर लेना उसको, जी वाई एन ई, किलोवाइन क्रिस्टाटा एंड जुगजाइन पॉलीगोनोइडीज. इसके अलावा मैंने आपको टू एग्जाम्पल और बता दिए ऑर्किड्स के, वांडा टेसिलेटा, वांडा को वांडा भी कहा जाता है, वी ए एन डी ए, वांडा टेसिलेटा. इसके अलावा आपको वनीला फ्रेग्रेंस में बता चुका हूँ. तो मुझे लगता है यहां तक आपको अच्छे से लर्न हो गया है. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट, उसे हम करेंगे नेक्स्ट अपने वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ. थैंक यू सो सो मच.